ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऑपरेशन कोरोना में आपने अभी तो कुछ ही जिलों की ही तस्वीर दिखी है, आगे हम आपको एक एक कर सभी जिलों की तस्वीर दिखाएंगे ताकि आप यह समझ सके कि आपके जिले में कोरोना को लेकर जो दावे किए जा रहे उसकी सच्चाई क्या है। पटना सिटी की स्थिति बता रहे हैं परमानंद। पूरे बिहार के अस्पतालों को अलर्ट किया गया है, अस्पताल में जो भी मरीज आए उनकी समुचित इलाज हो, उसके लिए बिहार सरकार ने छोटे से बड़े अस्पतालों में क्या व्यवस्था किया है उसकी जायजा लेने के लिए सबसे पहले हम पहुंचे हैं फतुहा के सामुदायिक स्वास्थ्य में। अभी सुबह 9 बजे हैं और सुबह 9 बजे अस्पताल में क्या व्यवस्था रहती है उसके हम अभी जायजा लेंगे। अभी मुख्य गेट पर खड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि मुख्य गेट के सामने ही कचरे का ही अंबार देखा जा रहा है। ये अस्पताल का मुख्य गेट है और यहाँ इस तरह कचरे का अंबार है, तो अंदर अस्पताल की स्थिति क्या होगी ये तो अंदर जाने के बाद पता लगेगा, लेकिन अभी हमने जा रहे हैं अंदर अस्पताल में, यहाँ देखेंगे कि क्या जो सरकार ने जो वादा किया है कोरोना वायरस को लेकर अस्पतालों में जाँच के लिए व्यवस्था, मास्क वितरण और कई तरह के जो अलग से बेड वो क्या है अस्पताल में है या नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। अभी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर ये भीड़ लगी हुई है, कोरोना वायरस के मरीज यहाँ आए चुके हैं या नहीं आते हैं वो जानकारी के बाद पता चलेगा। सबसे पहले देखेंगे ये रजिस्ट्रेशन काउंटर पर इनके मास्क भी नहीं है क्या, देखा जाएगा। आपके पास आप अस्पताल में हैं, अभी जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट किया गया, आप मास्क भी नहीं लगाए, क्या अस्पताल में मास्क नहीं है? अस्पताल में क्या मास्क नहीं है सर? अस्पताल में हम भी अभी फिलहाल लगाते हैं, लेकिन एहतियात बना रखे हैं, सामान्य दूरी बना के रखते हैं सभी मरीजों। अभी इनका कहना है कि अभी ये मास्क नहीं लगा है, यहाँ साफ सफाई है, कोरोना वायरस को लेकर जो जाँच क्या व्यवस्था है, ये अस्पताल का बेड है और ये कुर्सियाँ है, देखिए कुर्सियाँ भी टूटी हुई है, लोग कहाँ बैठेंगे ये तो खुद आप समझ सकते हैं, बेड को भी किस तरह से रखे गए हैं और ये दवा खाना है, लोगों को दवा भी किया था, तो उसके बाद हम चलेंगे। ये लैब है, मैम आप लैब में रहते हैं, ये लैब है यहाँ से कई बीमारियों की जांच भी की जाते हैं, अभी कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से अभी चल रहे हैं क्या उसके लिए आपके पास कोई प्रकार से व्यवस्था है? इसके लिए अभी लैब में ऐसा कुछ हम लोग तो कोरोना वायरस को लेकर यहाँ पहले से जो जांच की व्यवस्था जो मौजूद थी, HIV वगैरह का, शुगर का, इन सब की जांच का व्यवस्था पहले से यहाँ था, लेकिन जो कोरोना वायरस को लेकर जो व्यवस्था स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए अभी जांच की कोई व्यवस्था नहीं आई है। हम अभी चलेंगे डॉक्टर के पास, आई थिंक यहाँ ये डॉक्टर है, ये भी जानेंगे कितने डॉक्टर आते हैं, ये मरीज लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं, जैसे डॉक्टर साहब आ चुके हैं तो हम डॉक्टर साहब के रूम में जाएंगे और जानकारी देंगे कि यहाँ कितने डॉक्टर हैं, अभी कितने डॉक्टर हैं। मैडम को तो एक मास्क लगाए हुई है, हालांकि कर्मचारी लोग नहीं दिखे मास्क लगाया, मैडम लगाई जिस तरह से बिहार में स्थिति बनी हुई है और बिहार सरकार पूरी अलर्ट कर दिया सभी अस्पतालों को, इसको लेकर आपके अस्पताल में क्या व्यवस्था की है? हम लोगों को गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए हैं
कि अगर कोई पेशेंट वैसा सस्पिशियस आता है जिसको कोरोना वायरस होने के चांसेस हैं तो उनको हम लोगों को हायर सेंटर रेफर करना है। साथ ही हम लोगों ने जितने हमारे पेरिफेरी वर्कर लाइक आशा वर्कर ANMs उन लोगों को हम लोगों ने स्ट्रिक्टली गाइडलाइन प्रोवाइड कर दिया है कि कोई भी ऐसा पता चले कि किसी के घर में कोई बाहर से विदेश से यात्रा करके आया है या किसी बाहर के शहर से आया है उसके बारे में जानकारी देनी है। और साथ में अगर उसके घर में किसी को वैसे खांसी के साथ तेज बुखार जैसी कुछ भी लक्षण मिल रहे हैं तो उसको लेकर सीधे अस्पताल आना है। और उसके बाद अगर हम लोगों को लगेगा सस्पिशन कि उसको वैसा हो सकता है कुछ तो हम उसको हायर सेंटर जी में कोरोना का लक्षण पाया जाते हैं ना वो अस्पताल में आता तो फिलहाल उनके लिए क्या अलग बेड वगैरह या कुछ ऐसा अगर लगता है देखिए जो नॉर्मल गाइडलाइंस है दूसरे मरीजों से अलग करके उसको आइसोलेट कर देना है और उसको तुरंत हायर सेंटर करना है। बेड की व्यवस्था हमारे अस्पताल में हमने नहीं की है, हमने सीधे उसको हायर सेंटर रेफर करने के लिए हमें गाइडलाइंस बता वेंटिलेटर जब जिस किसी अस्पताल में अगर आईसीयू की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ वेंटिलेटर नहीं हो सकता। वेंटिलेटर हमेशा आईसीयू में होता है और इंटेंसिव केयर यूनिट के साथ सपोर्ट के साथ हो गया। हमारे यहाँ हायर सेंटर्स में हो चुका है, PMCH में, IGIMS में, हर जगह अवेलेबल है। अच्छा एक चीज और देखा जा रहा है कि आपकी व्यवस्था यहाँ रही है तो नहीं हम लोगों ने अपने एक मिनट हम लोगों ने भेजा है एक्चुअली ये पिछले 2-3 दिन में ये ज्यादा फ्लेयर अप और बहुत ज्यादा उसकी जागरूकता आई है तो हम लोगों ने इंडेंट कर दिया है वो आ जाएगा आज शाम तक हम लोगों के पास सबके लिए मास्क अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी जितने हैं उतने कर्मचारियों को मिल चुका है, कुछ को मिला है कुछ को नहीं मिल पाया, जो हमारे पास स्टॉक में था वो लोगों ने दे दिया है। सर एक और जानकारी, कुल कितने डॉक्टर पोस्टेड है यहाँ और कितने काम कर रहे हैं? डॉक्टर्स की तो ड्यूटी ऑन द क्लॉक होती है तो हमारे 4-5 डॉक्टर्स जैसे हैं वैसे उनके उस हिसाब से नाइट करके गए तो उनका ऑफ है। अभी हमारी ड्यूटी 9 बजे से किसी और की ड्यूटी है फिर नाइट किसी और की ड्यूटी है। यानी अस्पताल में एक बार एक ही डॉक्टर रहता है? किसी भी पेरिफेरी अस्पताल में एक डॉक्टर से ज्यादा बिहार सरकार में देना मुश्किल है क्योंकि डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है। तो यहाँ जैसा मैडम ने बताया कि कुल 5 डॉक्टर पोस्टेड है और PSC का जो सभी बिहार के सभी PSC में जो व्यवस्था है कि एक बार में एक डॉक्टर रहते हैं, शिफ्ट बाई शिफ्ट डॉक्टर चेंज होते हैं, 24 घंटे में 3 टाइम डॉक्टर से चेंज होना होता है। अभी ये बार 2 बजे तक करेंगे उसके बाद फिर नए डॉक्टर आएंगे तो 5 डॉक्टर से ये अस्पताल एक चल रहा है। हालांकि मुझे तो जानकारी है कि 5 में 3-2 डॉक्टर छुट्टी पर हैं और 3 डॉक्टर के सहारे ही अभी अस्पताल चल रहा है। तो ये है फतुहा अस्पताल के सामुदायिक अस्पताल का स्थिति। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो PSC की स्थिति है उसमें भी पूरी जो संतुष्टि मिलनी चाहिए वो संतुष्टि नहीं है, कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही भी है। तो कुछ कहीं हालांकि गेट के बाहर भले ही कचरा दिखाओ लेकिन गेट के अंदर अस्पताल के अंदर सफाई दिख रही है। अभी हम इसके बाद और जानेंगे और दूसरे अस्पताल में कि क्या कोरोना वायरस को लेकर जो सरकार ने जो मुहिम छेड़ा है अस्पतालों को कुछ दूर करने का वो क्या और अस्पतालों में है, कितना व्यवस्था की गई है। परमानंद सिंह, कशिश न्यूज, पदुआ।